हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर जिन्हें कहानी को शुरू करते हो, जॉनगुक अपने डैड को कहते हैं, मैं शादी करने के लिए एक शर्त पर तैयार हूँ, अगर त्यांग मुझसे माफ़ी मांगेगा तो। त्यांग अपने डैड को कहते हैं, डैड मैं उससे माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे उससे माफ़ी नहीं मांगना है। त्यांग के मॉम कहते हैं, त्यांग हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम्हें जॉनगुक का दिल जीतना होगा, कुछ भी हो जाए अगर इसके लिए तुम्हें उससे माफ़ी मांगना होगा तो माफ़ी भी मांगोगे तुम। त्यांग कहते हैं, क्या मैं और जॉनगुक से माफ़ी मांगूंगा, लेकिन क्यों? मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है इसलिए मैं नहीं मांगूंगा, आखिर मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मिसेस किम कहते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ, कैसे भी करके तुम्हें जॉनगुक के दिल जीतना होगा और हमारी बिजनेस को आगे बढ़ाने होंगे, समझे त्यांग? त्यांग, इस शादी से बहुत ही बेनिफिट मिलने वाले हैं, तुम इस अरेंज मैरिज को क्यों नहीं करना चाहते हो? आखिर एक अरेंज मैरिज है, नॉट लव मैरिज, तो तुम इसके बारे में मत सोचो। तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया है वो अलग बात है, और अब जो शादी होने वाले है वो अरेंज है। अब तुम दोनों की शादी हम लोगों ने तय किया है, तुम लोग माना करने वाले होते कौन हो? तुम्हें शादी करना ही होगा और कैसे भी करके जॉनगुक के दिल को जीतना होगा, समझे तुम? त्यांग कहते हैं, अब ये क्या मुसीबत है, मैं अब उससे शादी कैसे कर लूँगा और मैं उससे माफ़ी नहीं मांग सकता हूँ, अब मैं कैसे उन लोगों को समझाऊंगा? उसके मॉम डैड नहीं समझ रहे थे। आखिर जॉनगुक के डैड कहते हैं, जॉनगुक त्यांग तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार है और तुम्हें उसे शादी करना होगा अगर उसने सचमुच तुमसे माफ़ी मांग लिया। जॉनगुक कहते हैं, हाँ अगर उसने माफ़ी मांग लिया तो मैं शादी कर लूँगा, वरना नहीं। त्यांग वो मजबूरी में माफ़ी मांगने के लिए जॉनगुक से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों ही एक डेट पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। जॉनगुक बहुत ही गुस्से में था। त्यांग जॉनगुक को देखकर बहुत ही डर जाते हैं और कहते हैं, मैं कैसे उसको फेस करूंगा और कैसे कहूंगा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे करना ही होगा, मॉम और डैड बहुत गुस्सा करने वाले हैं। जॉनगुक कहते हैं, क्या हो तुम चुप क्यों हो? अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और शादी को तोड़ दूंगा। त्यांग कहते हैं, नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो, मुझे नहीं पता था तुम्हारी और मेरी शादी पहले ही तय हो चुके हैं, मुझे लगा तुम मुझसे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो और मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं था इसलिए मना कर दिया, सॉरी जॉनगुक, मुझे आप तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जॉनगुक कहते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उस दिन क्यों मना कर दिया था? त्यांग कहते हैं, वो मुझे लगा मुझे किसी और से शादी करना चाहिए। त्यांग सच बोल देते हैं। जॉनगुक कहते हैं, अच्छी बात है, तुमने मुझसे क्लियरली सारी बातें खोलकर बोल दिया, अब मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। त्यांग कहते हैं, जॉनगुक क्या तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले हो? जॉनगुक कहते हैं, मैं इसके बारे में सोचूंगा। त्यांग कहते हैं, क्या मैंने सोचा था मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा तुम मुझसे शादी करोगे, इसलिए मैंने तुमसे माफ़ी मांगा और तुम बोल रहे हो तुम सोचने वाले हो। जॉनगुक कहते हैं, आखिर तुम्हें शादी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? तुम तो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे ना, और प्यार भी नहीं करते हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं शादी करूँ या ना करूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने मुझसे माफ़ी मांग लिया, बस तुम्हारा काम हो गया है, तुम जा सकते हो। त्यांग कहते हैं, क्या मैं ऐसे कैसे चला जाऊँ? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जॉनगुक प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मुझे बाद में लगा मैं गलत था, मुझे तुमसे शादी करना चाहिए, तुम बहुत ही हैंडसम और अच्छे लड़के हो, मुझे ऐसा लड़का कभी नहीं मिलेगा, प्लीज़ जॉनगुक हम दोनों शादी कर लेते हैं। जॉनगुक कहते हैं, मैं इसके बारे में सोचूंगा, तुमसे कहा ना। त्यांग कहते हैं, अब तुम ज़्यादा ही एक्टिंग कर रहे हो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैंने तुमसे माफ़ी मांग लिया है तो तुम्हें मुझसे शादी करना ही होगा। जॉनगुक त्यांग को कहते हैं, कोई ज़बरदस्ती है क्या, तुम मुझे फोर्सफुली शादी करने वाले हो क्या? मैं अगर शादी नहीं करना चाहता हूँ तो। त्यांग कहते हैं, हाँ ज़बरदस्ती ही है, तुमने मुझसे सॉरी इसलिए बुलवाया था ताकि मैं और तुम शादी कर सकें, और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सॉरी वापस लेता हूँ। जॉनगुक कहते हैं, अब ऐसा मत करो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तुम अब ज़्यादा ही एक्टिंग कर रहे हो, अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना दोबारा से सॉरी बोलने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। त्यांग कहते हैं, अब ओवर हो रहे हैं, तुम ज़्यादा बनो मत, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम शादी के लिए हाँ कह देना, मैं जाकर मना करने वाला हूँ। जॉनगुक कहते हैं, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे शादी करे बिना कैसे रह सकते हो, मैं शादी करने के बाद तुम्हें इसका मज़ा चखाऊंगा। त्यांग कहते हैं, हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ तुम मेरा क्या कर सकते हो, आखिर मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जॉनगुक कहते हैं, आखिर तुम किसी बात पर टिके क्यों नहीं रहते हो?
त्यांग कहता है, मैंने ये सब कुछ तुमसे ही सीखा है। तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं तुम्हें सॉरी कहूँ और हम दोनों शादी कर लें। लेकिन अब तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं। जनकू कहते हैं, तो फिर शादी के दिन मिलते हैं। त्यांग कहते हैं, हाँ बिल्कुल। जनकू कहते हैं, मैं तुम्हें मज़ा चखाने वाला हूँ, एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम्हें अच्छी तरह से पता चल जाएगा मैं क्या हूँ और कौन हूँ। यहाँ पर त्यांग कहते हैं, मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट होने वाले हैं, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करता। मैंने एक बार तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, उसके बाद मुझे तुम्हें सॉरी कहना पड़ा। मैं इस बात को कभी भूल नहीं पाऊँगा। तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड है, मैं क्या कहूँ। मुझे इतना एटीट्यूड दिखाने वाला लड़का पसंद नहीं, मुझे तो योंगी पसंद है। योंगी मुझे रिजेक्ट कर दिया है और योंगी जिमिन से प्यार करता है। डैड और मॉम ने सही कहा था, मुझे उन दोनों की बातों को मानना पड़ा। त्यांग यहाँ से चले जाते हैं और जनकुक त्यांग को देखे जा रहा था। त्यांग घर में जाकर अपने डैड और मॉम को कहते हैं, अब वो मुझसे शादी करेगा और मैंने उसका दिल जीत लिया है। मिस्टर मिसेस किम कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उसको गुस्सा दिलाया होगा, हम अच्छी तरह से जानते हैं। त्यांग, अगर उसने शादी के लिए मना कर दिया। त्यांग कहते हैं, क्या क्या उसने शादी के लिए दोबारा से मना कर दिया है? मिस्टर मिसेस किम कहते हैं, नहीं, उसने मना नहीं किया है अभी तक, लेकिन अगर कर दिया तो हम दोनों तुम्हें घर से बाहर कर देंगे। और यहाँ पर जनकुक शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और जनकुक का त्यांग की शादी 2 दिन बाद होने वाले है। दोनों की शादी की तैयारियाँ हो रहे थे धूमधाम से, और उसके बाद वो पल आ ही जाते हैं जब जनकुक और त्यांग की शादी हो जाता है। इन दोनों की फर्स्ट नाइट है। जनकुक त्यांग को कहते हैं, चलो उठ जाओ। त्यांग कहते हैं, क्या? लेकिन क्यों? उसको लगा शायद जनकुक उससे कुछ करवाना चाहता होगा, लेकिन जनकुक उसको नीचे की तरफ दिखाते हैं। त्यांग कहते हैं, तुम मुझे क्या इशारा कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जनकुक कहते हैं, नीचे जाकर सो जाओ, मुझे बेड पर सोना है और मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है, समझे तुम? त्यांग कहते हैं, क्या मैं नीचे सोने वाला हूँ? तुम पागल हो गए हो क्या? ये घर मेरा भी है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। जनकुक कहते हैं, नहीं, ये सिर्फ मेरा घर है, तुम्हारा कैसे हुआ? तुम यहाँ पर नहीं सो सकते हो। तो भी त्यांग और जनकुक के बीच में जंग छिड़ जाते हैं। अंत में त्यांग को नीचे सोना पड़ता है और जनकुक बेड पर सो जाते हैं। वो चाहे तो सोफे पर सो सकते थे, लेकिन जनकुक ने कहा, तुम सोफे पर भी नहीं सोओगे, तुम्हें नीचे ही सोना होगा। त्यांग के मॉम डैड त्यांग को कह दिया था, कुछ भी हो जाए तुम्हें जनकुक के दिल जीतना होगा, इसलिए त्यांग को नीचे सोना पड़ता है जनकुक के दिल जीतने के लिए। लेकिन त्यांग को बहुत ही दर्द हो रहा था नीचे सोने से। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, जनकुक तो खर्राटे मार के सो रहा था, लेकिन त्यांग पूरी रात नहीं सो पाया। उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, लेकिन क्या करता, जनकुक त्यांग को इतना बुरा पनिशमेंट दिया है। अब जनकुक को मज़ा आ रहा था। बहुत जनकुक त्यांग को देखकर मुस्कुरा के कहते हैं, क्या हुआ, तुम बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हो। त्यांग कहते हैं, तुम इतने अच्छे से सोकर उठे हो और मुझे बोल रहे हो मैं खुश दिख रहा हूँ, तुम अंधे हो क्या? जनकुक, तुमने क्या किया? ऐसा करना ज़रूरी था क्या? इतना बड़ा बेड है, हम दोनों शेयर कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने मुझे नीचे सुलाया और सोफे पर भी नहीं सोने दिया। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे इतना नफरत करते हो, तुम तो मुझे पसंद करते थे ना? जनकुक कहते हैं, पसंद करता था, लेकिन अभी नहीं करता हूँ, समझे? जितना कहा जाए उतना ही करो, अगर अच्छा चाहते हो तो। मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकते है? और मैं अपनी डैड और मॉम को ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, फिर भी मैंने तुमसे शादी कर लिया, ये तुम्हारे लिए खुशी की बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। त्यांग कहते हैं, अब बहुत ही ज़्यादा हो गया है, मैं अब बेड पर जाकर सो जाता हूँ, तुम तो अभी उठने वाले हो ना? जनकुक कहते हैं, नहीं, मुझे और कुछ देर सोना है, तुम बेड पर नहीं आ सकते हो और तुम पूरे दिन भर नहीं सोने वाले हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम सो जाओ दिन में, मुझे दिन में सोता हुआ इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। त्यांग कहते हैं, क्या मैं दिन में भी नहीं सो सकता हूँ बेड पर, तो मैं कब सोऊंगा? मुझे रात को भी नींद नहीं आया और दिन में भी नहीं सोऊंगा, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। जनकुक कहते हैं, मुझे क्या पता तुम क्या करने वाले हो और क्या नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ तुम बेड पर नहीं सोने वाले हो, तो नहीं सोओगे। त्यांग कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं नहीं सोने वाला हूँ। जनकुक जैसे ही कुछ देर बाद उठ जाते हैं, वो वॉशरूम जाने लगते हैं। त्यांग नीचे से उठकर वो बेड पर सोने ही वाले थे। जनकुक अंदर से दरवाज़ा खोल के कहते हैं, त्यांग
मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। अगर मुझे एक पल के लिए भी तुम पर शक हुआ ना कि तुम बेड पर सोए या फिर सोफे पर, तो मैं तुम्हारा जान ले लूँगा, समझे ना तुम। त्यांग कहते हैं, तुम इतना रूठ क्यों बन रहे हो जानकुक, ऐसा करना ज़रूरी है क्या? लेकिन यहाँ पर जानकुक त्यांग की कोई बातों को सुन नहीं रहा था। वो अपने दिल के ही किए जा रहे थे और त्यांग को पनिशमेंट देने के लिए सब कुछ कर रहा था। आखिर उसने उसको रिजेक्ट जो कर दिया था। यहाँ पर त्यांग समझ आते हैं आखिर जानकुक उसके साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। लेकिन त्यांग क्या करता, वो मजबूर है। उसके मॉम डैड ने उसको घर से बाहर निकालने का धमकी दिया है। वो यहाँ पे भी नहीं रह सकते और वहाँ पे भी नहीं रह सकते, और उसको मजबूरी में इस शादी को निभाना होगा। कैसे भी करके त्यांग जानकुक की दिल जीतना चाहते हैं, लेकिन जानकुक की दिल जीतना इतना आसान नहीं है। वो बहुत ही कोशिश कर रहे थे। जानकुक हर एक पल त्यांग को नीचा दिखाते हैं और उसको हमेशा चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। डाइनिंग टेबल पर सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जानकुक का त्यांग भी खाना खा रहे थे। जानकुक अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि त्यांग को तीखा नहीं पसंद है। जानकुक जानबूझकर त्यांग को तीखे खाना उसको खिलाते हैं सबके सामने। त्यांग भी मजबूरी में उसको खाना पड़ता है। त्यांग को बहुत ही तीखा लग रहा था, उसकी आंखों से पानी आ रहे थे और नोज़ भी रेड हो चुके थे। सब लोग कहते हैं, त्यांग क्या हुआ, क्या तुम्हें खाना नहीं पसंद आया, क्या तुम्हें तीखा लग गया है? त्यांग, तुम तीखा नहीं पसंद करते हो क्या? त्यांग कहते हैं, मुझे तीखा पसंद है लेकिन इतना नहीं। जानकुक कहते हैं, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें तीखा पसंद नहीं है। त्यांग, सो सॉरी, चलो तुम पानी पी लो। लेकिन त्यांग कहते हैं, हाँ ठीक है। जानकुक त्यांग के सामने वाटर के गिलास देते हैं और उसमें सॉल्ट डाल दिया था। त्यांग नहीं जानते हैं, वो उसको पी लेते हैं, लेकिन उसमें इतना नमक था वो उसको निगल नहीं पा रहे थे। सब लोग कहते हैं, त्यांग क्या हुआ, तुम पानी क्यों नहीं पी रहे हो, तुम्हें तीखा लगा ना, पानी पी लो। त्यांग कहते हैं, नहीं मुझे पानी नहीं पीना है, मैंने खा लिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने रूम में जाना चाहता हूँ। जानकुक त्यांग की तरफ देखकर कहते हैं, अब मज़ा आया, तुम्हें अच्छी तरह से पता चल जाएगा तुमने किसे रिजेक्ट किया था। मैं तुमसे बदला लेकर आऊँगा, तुमने हैंडसम बॉय को मना कर दिया था, इतने हैंडसम बॉय को कैसे मना कर सकते हो तुम शादी के लिए, तुम्हारे घमंड तो मैं तोड़ूंगा, तुम देखना मैं तुम्हें और कितना टॉर्चर करता हूँ। त्यांग यहाँ पर बहुत ही रो रहा था। आखिर उसने क्या गलती कर दिया है कि जानकुक उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। जानकुक वो सोने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं त्यांग वो रो रहा है। जानकुक को देखकर वो अपने आंसुओं को मोछते हैं। जानकुक कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें इतना रेड क्यों है? त्यांग कहते हैं, वो मुझे तीखा लगा ना, और तीखा लगने की वजह से मेरे रोज़ आंखें पूरे फेस रेड हो जाते हैं। मैंने उस टाइम पर कहा था, तुमने सुना नहीं क्या? जानकुक जानकुक कहते हैं, नहीं मुझे लगा तुम रो रहे थे। त्यांग कहते हैं, मैं क्यों रोऊंगा? जानकुक कहते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम रो रहे थे, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। कोई बात नहीं, मैं इसके पनिशमेंट भी तुम्हें दूंगा, आखिर तुम अपने हस्बैंड के साथ कैसे झूठ बोल सकते हो? त्यांग जानकुक की तरफ ही देख रहे थे और मन में कह रहे थे, मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी में रहना पड़ रहा है। आखिर इस शादी में बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं मेरे पेरेंट्स को और शायद मुझे भी। मैं अब इस शादी को झेलने के लिए तैयार हूँ क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो ये सब कुछ जो शुरुआत में हो रहे हैं वो सब कुछ बिल्कुल बेबुनियाद हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। उसके बाद त्यांग जानकुक के सामने कहते हैं, मैं जाकर फ्रेश होकर आता हूँ। तो फिर जानकुक कहते हैं, अभी मत जाओ। त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर जानकुक ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जानकुक कहते हैं, क्या हुआ, तुम समझ नहीं रहे हो क्या, मैंने कहा अभी मत जाओ, मुझे वॉशरूम जाना है। त्यांग कहते हैं, अभी तुम बाहर वाले वॉशरूम में क्यों नहीं जाते हो, मुझे इस टाइम पे यहाँ पर जाने दो, मैं रूम से बाहर नहीं जा सकता हूँ, मुझे बहुत ही इमरजेंसी है। जानकुक कहते हैं, कौन सा इमरजेंसी, तुम अगर मुझसे नहीं कहोगे तो मैं कैसे समझूंगा? त्यांग, तुम मुझसे बातें क्यों छुपाते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। त्यांग कहते हैं, वो मेरा पेट खराब हो चुके हैं वो तुम्हारी वजह से, तुम भी जानते हो, नाटक करना बंद करो जानकुक, तुम अच्छी तरह से जानते हो तुमने क्या किया। जानकुक कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, मैंने ही वो सब कुछ किया है, तुम्हारे खाने में मिर्ची डाला है और वाटर में सॉल्ट, और इसके बाद फिर भी तुम मुझसे इतनी रूठ तरीके से बातें कर रहे हो, तुम क्या और पनिशमेंट झेलना चाहते हो? त्यांग, अगर इतना सारा पनिशमेंट दे रहा हो तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो, आखिर क्या मजबूरी है तुम्हारे यहाँ पर रुकने का? त्यांग कहते हैं, वो मैं नहीं बता सकता हूँ,
मैं तुमसे माफ़ी मांगा है फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मुझे इस बात का समझ भी नहीं आ रहा है जॉनगुक, आखिर तुम इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों हो मुझसे? मैंने कहा ना, मैं गलती से तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी सज़ा? जॉनगुक कहते हैं, हाँ मैं किसी भी बात को नहीं भूलता हूँ और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तुम जानती भी हो मैं कितनी रात नहीं सो पाया। तियांग, तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हें कोई रिजेक्ट करेगा। तियांग कहते हैं, हाँ मुझे भी पता है क्योंकि मुझे भी यून घी ने रिजेक्ट कर दिया है। जानकू कहते हैं, इसका मतलब तुम उसके रिजेक्शन के बाद मुझसे शादी करने के लिए मान गए, वरना मुझसे कभी नहीं शादी करते। तियांग कहते हैं, शायद अगर वो मुझसे शादी कर लेते। जैसे ही तियांग के मुँह से ऐसी शब्द को सुनते हैं, जानकू को बहुत ही गुस्सा आ जाते हैं और वो मन में कहते हैं, अब तो मैं तुम्हें और भी मज़ा चखाने वाला हूँ। तियांग, तुमने मुझसे ऐसी बातें बोलने की हिम्मत कैसे की? अगर यूंगी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते तो मुझसे कभी शादी नहीं करते। आखिर मुझ में कमी क्या है? सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना और अगर पसंद आया होंगे लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।